बौद्ध धर्म। मित्रों, जो भारतीय इतिहास है उसमें जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के उदय को एक युगांतरकारी घटना माना जाता है। युगांतरकारी घटना इस रूप में माना जाता है कि इससे पहले जो वैदिक व्यवस्था थी उसमें कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था की जटिलता के कारण सामान्य लोगों का जो जीवन है वो बहुत असहज हो गया था। लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में दो महान विभूतियों ने जन्म लिया, जिसमें एक हैं महावीर और दूसरे हैं गौतम बुद्ध। तो आज हम गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत हैं और जो शिक्षाएं हैं उन पर परिचर्चा करने जा रहे हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत क्या हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने कहा कि जो संसार है वो दुख युक्त है, संसार में दुख ही दुख हैं। 4 जो आर्य सत्य हैं, पहला दुख है, दूसरा दुख समुदाय है, तीसरा दुख निरोध है, चौथा दुख निरोध प्रतिगामिनी है। अर्थात संसार दुख में है लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, दुखों का कारण है, दुखों को दूर किया जा सकता है और दुखों को दूर करने का मार्ग है। वो मार्ग क्या है? वो है मित्रों अष्टांगिक मार्ग। अर्थात बुद्ध ने ये कहा कि जो 8 प्रकार के मार्ग हैं उनमें पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक वाक, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अर्थात हमारा जो दृष्टिकोण है उसमें समता होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम जो कार्य करते हैं उसमें समानता होनी चाहिए, हमारा कार्य अच्छा होना चाहिए, हमारी जो वाणी है वो सहज होनी चाहिए, हम जो जीविकोपार्जन करते हैं वो नैतिकता संपर्कित होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर हम जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट है मित्रों मध्यम प्रतिपदा। अर्थात बुद्ध ये कहते हैं कि निर्वाण की जो प्राप्ति है वो हमें मध्यम मार्ग को अपनाने से प्राप्त हो सकती है। निर्वाण का तात्पर्य है आत्मा का परमात्मा में विलीन होना, जिसको हम हिंदू धर्म में मोक्ष भी कहते हैं, या निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दीपक का बुझना, अर्थात मन में शांति स्थापित होना। निर्वाण की प्राप्ति के लिए न तो शारीरिक कष्ट एवं कलेश से युक्त कठोर तपस्या को ही उचित बतलाया है और न ही अत्यधिक सांसारिक भोग विलास को। वस्तुतः वे दोनों ही अतियों के बीच का मार्ग बतलाते हैं। मित्रों जो बुद्ध हैं वो 10 सील की बात करते हैं, अर्थात हमारा आचरण किस प्रकार का होना चाहिए। आज सबसे बड़ी समस्या है कि समाज में क्राइम बढ़ रहा है, नैतिकता नहीं है, लेकिन बुद्ध हमें नैतिकता युक्त जीवन के बारे में प्रेरित करते हैं। उसमें 10 बातें उन्होंने प्रमुखता से बतलाई हैं, जिसमें सत्य है, अस्तेय है, अस्तेय का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना, अपरिग्रह अर्थात धन का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य जीवन में अनुशासन का भाव विकसित होना, नृत्य गान का त्याग, सुगंधित पदार्थ वर्जित, असमय भोजन का निषेध, कोमल संयम वर्जित, कामिनी कंचन वर्जित और अहिंसा। तो ये 10 बातें जो बतलाई हैं इनमें महत्वपूर्ण है अहिंसा। अहिंसा को समझने से पहले हमें हिंसा को समझना होगा। हिंसा का मतलब ये नहीं है कि हत्या करना, जीव की हत्या करना। मन वचन कर्म से अगर हम किसी जीव को ठेस पहुंचाते हैं तो वो हिंसा ही होती है। यही बात महावीर स्वामी ने कही है और यही जो बात है वो गौतम बुद्ध कहते हैं। कामिनी कंचन से जो आशय है वो है भोग विलासपूर्ण जीवन जीना, अर्थात भौतिकता की चकाचौंध में जीना या धन के पीछे भागना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति के पास में जब आवश्यकता से अधिक धन होता है तो मित्रों जो व्यक्ति है वो अनैतिक मार्ग को अपना लेता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि हमें इन सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए। मित्रों बुद्ध का अगला जो सिद्धांत है वो है प्रतित समुत्पाद। प्रतित समुत्पाद 2 शब्दों से मिलकर के बना है। प्रतित का अर्थ है इसके होने से, समुत्पाद का अर्थ है यह उत्पन्न होता है, अर्थात कार्यकरण का सिद्धांत कि कोई भी जो कार्य है वो बिना किसी कारण के नहीं होता है, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। नेक्स्ट है क्षणिक बात। बुद्ध कहते हैं कि
प्रकृति परिवर्तनशील है, अर्थात मैं एक नदी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि हम जब नदी के प्रवाहित जल को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये पानी ठहरा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। जो पानी आप देख रहे हैं वो हर क्षण आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से जो जीवन है वो क्षण भंगुर है, जीवन है जिसमें परिवर्तन है, तो हमें परिवर्तन के साथ अपने आप को बदलते रहना चाहिए। लास्ट में है निर्वाण। निर्वाण से जो तात्पर्य है वो है मन को शांति होना। जैसा मैं पहले भी बतला चुका हूँ, इसका शाब्दिक अर्थ है बुझना, मन में जो है शांति स्थापित होना। अब मन में शांति कब होगी? जब हम सच्चाई और बुराई के बारे में समझ पाएंगे। हम जो इसमें नहीं समझ पाते हैं उसका कारण है अज्ञान। अज्ञान के कारण ही व्यक्ति को दुख होता है और यह हम कह सकते हैं तृष्णा होती है। और इन सभी जो है सिद्धांतों से या तृष्णाओं से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने हमें जिन सिद्धांतों की और शिक्षाओं की बात की है उनका जीवन में पालन करना चाहिए। अनिश्वरवाद अर्थात ईश्वर में विश्वास नहीं करना। अनात्मवाद, जो बुद्ध हैं वो आत्मा को लेकर के मौन हैं, ना वो कहते हैं आत्मा होती है और ना वो कहते हैं कि आत्मा नहीं होती है। मिलिंदपनों के एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाऊंगा। मिलिंदपनों में एक कथानक है, यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का। एक यूनानी शासक मिनांडर बौद्ध भिक्षु नागसेन से मिलने जाता है। वो अपने रथ से उतरकर जब बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है तो वो अपना सवाल करता है कि अब मुझे आप बतलाइए कि आत्मा क्या है। तो भिक्षु नागसेन कहते हैं कि राजन, आप मेरे यहाँ तक कैसे पहुँचे? कि रथ से। अच्छा, रथ से आप घोड़े को हटा दीजिए। तो इस तरह से एक एक करके सारी जब चीज़ों को हटा दिया, रथ के एक एक पुर्जे को अलग कर दिया, तब भिक्षु राजा से पूछते हैं, राजन अब आप कहिए। तो वहाँ उस शेष नहीं बचता है। तो इसी प्रकार से भिक्षु कहते हैं कि जो आत्मा है वो एक वस्तु ना होकर के अनेक तत्वों से निर्मित है, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। वेदों में अविश्वास, विजाति प्रथा का विरोध। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत जाति प्रथा का बोलबाला है। मित्रों, ये वैदिक व्यवस्था में भी देखने को मिलता है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने इसका घोर विरोध किया और उन्होंने कहा कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से श्रेष्ठ होता है। वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफत करते रहे और उन्होंने वेदों में अविश्वास भी जतलाया। मित्रों, ये बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो आज प्रासंगिक हैं। आज समाज में आप क्षेत्रवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद का बोलबाला देख रहे हैं। समाज का नैतिक पतन हो चुका है, समाज में हिंसा बढ़ रही है। इन सभी समस्याओं से छुटकारे के लिए हमें गौतम बुद्ध के द्वारा बतलाए गए सिद्धांत और शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना होगा। ये जो टॉपिक है इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार के हैं, जैसे बौद्ध दर्शन आस्तिक है या नास्तिक, दूसरा है बौद्ध दर्शन निराशावादी है या आशावादी, तीसरा है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो आस्तिक और नास्तिक का सामान्यतः अर्थ लोग लेते हैं कि ईश्वर में विश्वास करने को आस्तिक कहते हैं और ईश्वर में जो विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ दर्शन में आस्तिक और नास्तिक से तात्पर्य है कि जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करता है उसे आस्तिक और जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहा जाता है। बौद्ध दर्शन निराशावादी है आशावादी? सामान्यतया बुद्ध कहते हैं कि संसार दुख में है, तो दुख निराशावादियों की सोच हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध दुख के साथ साथ उनके कारण बतलाते हैं और दुख को दूर करने का मार्ग भी बतलाते हैं। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ, जिसकी हमें शरण में जाना चाहिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। अगर हम ऐसा करते हैं तो मानव जीवन का जो उत्थान है वो हो सकता है। मानव जो जीवन है
वो सरलता से जिया जा सकता है।